दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर में एमएस ऑफिस हो और उसमें अगर आप वर्ड या पावर पॉइंट में अगर आप हिंदी टाइप करना चाहते हो और आपके कंप्यूटर में हिंदी फॉन्ट्स ना हो, तो आप कैसे हिंदी फॉन्ट डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, इस वीडियो में सारा प्रोसेस देखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे पास में यहाँ पर एमएस ऑफिस का एमएस वर्ड खुला हुआ है और मैं इसमें हिंदी में टाइप करना चाहता हूँ, या हिंदी टाइपिंग सीखने के लिए हमें हिंदी फॉन्ट्स की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर में अभी हिंदी फॉन्ट्स नहीं है। जैसे कि हिंदी टाइपिंग सीखने के लिए कृतिदेव 10 यूज़ करते हैं ज़्यादातर कृतिदेव के फॉन्ट्स, तो अभी हमारे कंप्यूटर में कृतिदेव, यहाँ पर हम आपको टाइप करके भी दिखा देते हैं, कृतिदेव कोई भी फॉन्ट्स सर्च नहीं कर रहा है। तो अभी हमारे कंप्यूटर में हिंदी फॉन्ट्स नहीं है। तो इसको कहाँ से डाउनलोड और इंस्टॉल करना है आप देखेंगे। इसके लिए आपको अपने ब्राउज़र में चले जाना है और आप देखेंगे कि आपको इस तरह का कीबोर्ड में जो हिंदी दिख रहा है, इस टाइप का आपको हिंदी फॉन्ट चाहिए होगा। तो इसके लिए आप ब्राउज़र को ओपन करके आप डाउनलोड करेंगे। तो उससे पहले आपको मैं बता दूं कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपके ब्राउज़र में आप न्यू टैब ओपन कर लीजिए और उसके बाद में यहाँ पर लिखिए डाउनलोड हिंदी फॉन्ट कृतिदेव। तो मैंने यहाँ पर लिख कर इसको क्लिक करना है। उसके बाद में जो भी रिज़ल्ट आएगा, ये वाला, आपको इस पहले वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में हमने इसको ओपन कर दिया। यहाँ पर हम देखेंगे कि हिंदी फॉन्ट की ये वेबसाइट खुल गई है। तो हम नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको देखेंगे आप कि यहाँ 13 फॉन्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा हिंदी में फॉन्ट यूज़ होने वाला है कृतिदेव 10 फॉन्ट। तो अभी आप इसको देख लीजिए ट्राई करके यहाँ से, और यहाँ पर आप कुछ भी लिख कर देखिए कि क्या आपको इसी तरह का फॉन्ट चाहिए। अगर ये चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड का बटन क्लिक करके इसको इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से आपको दूसरे भी डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको दूसरे फॉन्ट यूज़ करना है तो आप ये भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। जैसे ही ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, आप यहाँ से शो ऑल करके यहाँ से शो इन फोल्डर में जाएंगे, तो यहाँ पर ये दोनों फॉन्ट हमारे zip फाइल में डाउनलोड हो चुके हैं। तो आपको इसको करना कैसा है कि इसको एक्सट्रैक्ट करना है, राइट क्लिक करना है इसके ऊपर में और यहाँ से एक्सट्रैक्ट टू कृतिदेव 10 इस पर हमको कर देना है। तो इसका एक फोल्डर बन के आ गया। वैसे ही हमको ये 11 भी एक्सट्रैक्ट करना है, इसका ये फोल्डर बन के आ गया है। तो अभी हम इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि ये कुछ, ये हमारा फॉन्ट है, बाकी हमारा जो दो फाइल है ये हमारी यूजलेस फाइल है। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और ये हमारा फॉन्ट है, ठीक है, फॉन्ट फाइल है। तो हमको इसको यहाँ से, ये जो है इसको यहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्ट ये, या फिर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, इसको कंट्रोल सी या फिर कॉपी कमांड दे दीजिए, इस तरह से कॉपी कर लीजिए और आपको आपके कंप्यूटर में सर्च में फॉन्ट्स सर्च करना है, फॉन्ट, ठीक है। तो ये आ गया फॉन्ट्स, हमको यहाँ सर्च करके, ये काफ़ी सारे हमारे कंप्यूटर में फॉन्ट होते हैं, तो यहाँ पर आपको कहीं भी खाली जगह में आपको राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है। तो ये देखिए ऑलरेडी है बोल रहा है, इसे रिप्लेस कर देते हैं। अभी ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से हमने जो 11 किया था, हम 11 को भी कर लेते हैं। 11 में भी दो फाइलें होगी, तो इनको हमको डिलीट कर देना है, इसको भी और इसको भी, यहाँ से कंट्रोल सी कर लीजिए और यहाँ पर लाके पेस्ट कर दीजिए। ये हो गया। तो अब हम देखते हैं हमारे वर्ड में कृतिदेव 10 आया नहीं आया। तो ये जो हमारा वर्ड है, अब इसमें हम जाके देखते हैं कि यहाँ पर कृतिदेव लिखते हैं हम, ये आ गया कृतिदेव 10, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम कुछ भी कीबोर्ड यहाँ से प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि हिंदी के वर्ड हमको यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर में हिंदी फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिए।